ये देखिए जी, ये जी ब्रीडिंग सेटअप भैया का। और यहाँ पे देखिए, ये सभी कबूतर भैया तैयार कर रहे हैं बाजियों के लिए। अली वाली मादी है। ये कहाँ से लाई है आपने? ये भी मेरे दोस्त है जो अंदर से हैं। ये भी उन्हीं से लाए हैं? तो उसका रिजल्ट वगैरह लिया? अच्छा भैया, इसके साथ मैंने टेडी कबूतर लगाया, बहुत ही अच्छा। और देखिए उस लड़के के साथ जो मादी लगाई है भैया ने, तो भाई ये कहाँ से लाई मादी? भैया जो भी मेरा दोस्त है नई बस्ती का अनबर हुसैन, अच्छा उसे ये घर की ये जोड़े मैंने लाया है उससे, ये उसके घर की पट है, बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है सब भाइयों का। तो आज हम आपको सोनी भैया के ब्रीडिंग सेटअप का शो करवाएंगे, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहना। तो आज के पार्ट में हम आपको ब्रीडिंग सेटअप का शो करवाएंगे, तो और वीडियो पसंद आने पर ज़रूर लाइक कीजिए, और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना दोस्तों। जो भैया के घर के सब सीने, ये देखिए हम आपको इसका शो करवाते हैं एक एक करके, आप हमारे साथ बने रहना। काफ़ी तादाद में भैया ने ये सब सीने की कलेक्शन की है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जी ब्रीडिंग सेटअप भैया का। और यहाँ पे देखिए, ये सभी कबूतर भैया तैयार कर रहे हैं बाजियों के लिए सबस्टी ने, ये सभी घर के पट्ठे हैं। और ये देखिए बैठने का सिस्टम देखिए, और ये ब्रीडिंग सेटअप का, ये देखिए जी भैया ने ब्रीडिंग के लिए जो बनाया। काफ़ी अच्छे कबूतर हैं जी, हम आपको इसमें कुछ कबूतर का शो करवाते हैं सब चीनों में। जी भैया जी, कौन सी ब्रीड से आपने ये सब चीने आपने जो बनाया? ये हमारी सब चीनी ब्रीड है, इसको लोग सेबे वाले भी बोलते हैं, कमांगर भी बोलते हैं, तो हम इनको सब चीने बोलते हैं। ये लाल आंखों के भी हैं और सागवान के भी हैं। आपने इसको उड़ा के चेक किए हैं? जी जी, के परों का भी शो करवाना है। ये देखिए जी, इनके पर शेप देखिए, काफ़ी अच्छे शेप परों की। और काफ़ी अच्छे पर हैं भाई, इसके टेल का भी शो करवाना। ये देखिए जी, इसकी टेल काफ़ी चौड़ी टेल है, और काफ़ी वजूद के कबूतर हैं। ये देखिए इसके पंजों का भी शो करवाना। ये देखिए जी, जामनी पंजे इस कबूतर के, ये देखिए इसमें आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, पर ये जामनी पंजे हैं। मादी है हमारी सब चीनी। ये देखिए दोस्तों, सब चीनी मादीन, बहुत ही प्यारी मादीन है। ये देखिए चेहरा मोरा देखिए जी, आइस भी देखिए कितनी प्यारी आइस है इसकी। इसके परों के शौक आ रहा है। ये भी आपकी घर की है? ये घर की हमारे। ये देखिए परों के शौक कीजिए दोस्तों, काफी अच्छे पर हैं इसके। और बगल देखिए कितनी बड़ी बगल है इस मादीन की,
ये देखिए ये दोस्तों, तो भाई ये कौन सी ब्रीड का कबूतर है? ये भी भैया हमारा सब चीन है, इनमें बहुत कलर बनते हैं, सब चीने बन जाते हैं, कान खोले वगैरह पूरे ब्लैक भी बन जाते हैं, काले कुमांगर जैसे होते हैं, और इनमें साफ आंखें भी हैं कबूतर और लाल आंखें भी। इनकी देखो कितनी लाल ही है, नॉर्मल लाल आंखी है। ये सभी आप बाजी के लिए तैयार कर रहे हैं? बाजी के लिए। काफ़ी कबूतर आपने ये समय सीने कबूतर आपने इकट्ठे किए हैं दोस्तों, देख सकते हैं इनकी स्टैंडिंग देखिए, काफ़ी अच्छे वजूद हैं इनके। अब हम आपको दूसरे सेटअप का भी शो करवाते हैं, और दोस्तों देख सकते हैं जी जो साफ आंखें सब सीने, तो भाई जी इसके बारे में भी बताएं जी। भैया सब चीने हमारे साफ आंखें और द्वार के लिए बहुत बढ़िया, कलर पैटर्न देखो कितना अच्छा है इनका। ये किन में से ये निकलवाए? ये भैया सब चीने बन गए हमारे, काले कुमांगरों से भी बन जाते हैं और गोल्डन कुमांगर लाउस में भी बन जाते हैं। तो ये सफेद आंख ये जो बनाई है इसमें कबूतर भैया हरा कबूतर डाला था। अच्छा साफ आंख का तो इसमें तो इनमें टैडी कबूतर का कोई पर नहीं डाला? नहीं भैया टैडी पर नहीं डाला। देखो कितने प्यारे हैं, कलर पैटर्न बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों सेटअप का भी हम दोस्तों शो करवाते हैं, आप हमारे साथ बने रहना एंड तक और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों दूसरे सेटअप का भी शो करवाते हैं जहाँ पे ब्रीडिंग वाले सेटअप भैया ने रखे हैं, और ये देखिए जी ये ब्रीडिंग सेटअप है। तो यहाँ देखिए ब्रीडिंग सेटअप किस तरह का भैया ने बनाया, ये देखिए काफ़ी अच्छे कबूतर हैं यहाँ पे। भैया के हाथ में भी कमांगर कबूतर है जी, भैया हरे कमांगर है मेरे, लाल आंख के रेड आइज के। ये भी घर का पट्ठा है? ये घर के हैं भैया, इसके परों के शो करवाना भैया। दोस्तों देख सकते हैं इसके पर बगल देखो इसका, काफी अच्छे कबूतर हैं जी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं भैया के कबूतर कैसे लग रहे हैं आप दोस्तों को। भैया छत वाले कबूतर का शो करवाना जी। दोस्तों देख सकते हैं जी भैया के हाथ में इस टाइम छत वाला कबूतर है, ये देखिए छत वाले बटेरे कबूतर। तो भैया इसके बच्चे वगैरह उड़ाए? जी जी इनके बच्चे उड़ाए हैं, इनका रिजल्ट भी अच्छा है भैया। ये हमारे जम्मू में बड़ी फेमस रही है, 17,000 वाली नस्ल है ये। ये आपने कहाँ से खरीदी है? भैया मेरा दोस्त है नवी बस्ती का अनवर, ये अच्छा। उस भाई से लिया मैंने जोड़े छत वाला, और इसका जो पीछे दादा था ना वो 250 का आया था अपने अखनूर बेल्ट का, तो एक टाइम हमारे जम्मू में बहुत सस्ता रेट था, उस टाइम 17,000 का बिका था इसका दादा जी जी। तो बहुत अच्छी प्यारी नस्ल है भैया, तो आज भी मेरे ख्याल में इसका बाप होगा तो राजू भाई गुजरनगर में होगा। बहुत अच्छा कबूतर है ये, जोड़ा ही है मेरे पास। ये भाई बहन है कि या ये अलग अलग? नहीं अलग अलग है, ये फेमस है ज़्यादा 17,000 में, तो जाना जाता है 17,000 वाला। इसके परों का शो करवाना इसके। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे
आरसपुरा के मशहूर नस्ल जिसे हम बोल सकते हैं सियालकोटी कबूतर। ये पुरानी ब्रीड है, काफी अच्छे पर हैं जी। जी दोस्तों देखिए इस मुर्ग के साथ जो मादिन लगाई है भैया ने, तो भैया ये कहाँ से लाई मादिन? भैया ये भी मेरा दोस्त है नई बस्ती का अनबर हुसैन, उसे ये उसी घर की है, जोड़े मैंने लाया उससे, ये उसके घर की पट है, बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी पट है, बच्चे भी उड़ाती है और दुम चीरी है जी। और पार्क अच्छे हैं इसके, रिजल्ट भी अच्छा है इनका, इनके बच्चे भैया जंगली हो जाएंगे और कहीं बैठेंगे नहीं, वापसी घर में आएंगे। इसके पंजों का भी शो करवाना। दोस्तों देख सकते हैं जी बिल्कुल खुश्क पंजे हैं इस मादिन के, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इस जोड़े का, इसके बच्चे भी उड़ाए हैं भैया ने, डार्क नाखून इसके, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक डार्क जिसको बोलते हैं। ये देखिए जो आज के टाइम में बहुत कम ब्रीड देखने को मिलती है छत वाले, वो भी प्योरिटी में जी। चलिए एक और ब्रीड का शो करवाते हैं भैया जी। अली वाली मादी है, ये कहाँ से लाई है आपने? जी भी मेरे दोस्त है जो अंदर से हैं, ये भी उन्हीं से लाए हैं। उन्हीं से लाए, तो इसका रिजल्ट वगैरह लिया? बहुत अच्छा रिजल्ट है भैया, इसके साथ मैंने टेडी कबूतर लगाया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग इसको टैडी भी, हाँ लोग तो हम टैडी भी बोल सकते हैं, पर हम इसको इसका नाम बोल लो या इसको अलीवाली बोल लो, हम तो इसको अलीवाला बोलते हैं जी। ये अलीवाली मादी है हमारे पास, तो इसमें टैडी वगैरह भी निकल सकती है फिर? हाँ हाँ टैडी भी निकाल दी, इसके साथ मैंने नाम डाला टैडी और टैडी बच्चे भी निकालती है, अलीवाली भी निकालती है। दोस्तों इसकी आई क्लोजअप का शो करवाते हैं, ये देखिए इसके परों का भी शौक करवाना। अभी तो बच्चों में है थोड़ी, बगल देखो कितनी अच्छी है इसकी, बगल देखो कहाँ जा रही है, के दुम वगैरह का भी शौक करवाना। दुम भी इसकी एक टेल है, एक पत्ता है, एक पत्ता दुम है इसका, देख सकें दोस्तों उसकी टेल, और काफ़ी अच्छी मादिन है, हम आपको उसको छोड़ के भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर है इस मादिन, इसकी स्टैंडिंग देखिए कितनी अच्छी स्टैंडिंग है मादिन की। तो चलिए दोस्तों अली वाली मादिन के साथ जो भैया ने टाडी कबूतर लगाया उसका भी शो करवाते हैं आपको। ये देखिए भाई ये कौन सी टैडी में आता है ये? भैया हम तो इसको सलारा भी बोल देते हैं, तो बाकी और भाई और भी कुछ बोल सकते हैं, हम उसको सलारा टैडी बोलते हैं। भाई ये जो पर होते हैं इसमें, ये इस साइड का पर बोलना, ये जो पर आता है ये,
ये पर का क्या ये रोल होता है? ये कुछ कबूतर में, ये टैडियों में देखा जाता है, ये जो ग्रे टाइप में होता है, इसके बारे में? भैया इसकी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बाकी अच्छा कबूतर है, रिजल्ट अच्छा है इसका। मुझे कबूतर पार्टनर में पकड़ा था जी, तो दो नंबर कड़ी पड़ी थी इसको, नंबर वाली दोनों अभी पड़ी हैं, इनको फिक्स करी हैं ऐसी रबड़ वाली। अपना कूल है फर्नीगी को पास जी, जी पकड़ा गया था ये अपनी आली वाली के साथ। जी दोस्तों, अब हम आपको एक और कबूतर का शो करवाते हैं। तो भाई ये कौन सी ब्रीड का कबूतर है ये? भैया जी गोल्डन, हमारा बहुत पुराना गोल्डन कबूतर है और इसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है। और कबूतर की आंख देखो, कलर पैटर्न बहुत ही अच्छा है, हर गल अच्छा है, हर चीज़ से। ये आपका घर का ये? नहीं भैया, मैंने बॉर्डर से खरीदा था, मेरा दोस्त है तो इसी का गिफ्ट दिया हुआ जी। इसके बच्चे वगैरह उड़ाए? हाँ इसके बच्चे भी उड़ाए होंगे, इसके बच्चे भैया 2-2.5 से नीचे नहीं आएंगे, इस बार जाया हो गए बच्चे इसके, वेरी लड़ कर गया। इसके परों के शौक करवाना इसके, जी देख सकते हैं दोस्तों इसके पर, और चौड़ाई देखिए इसके परों की, कितने चौड़े पर हैं इसके। काफ़ी अच्छा कबूतर है जी। बस के टेल बताना इसकी, ये देखिए दोस्तों इसकी टेल, एक पत्ता टेल है नर की, और इसके ऊपर के परों के ऊपर के जो बाल हैं, ये देखिए ये कितने तक जा रहे हैं, ये पूरी टेल को पकड़ के रखी है इसने। ये अच्छे कबूतर ही होते हैं, उनमें ये खासकर देखा जाता है। बहुत ही नया कबूतर है गोल्डन जी। दोस्तों देखिए एक और कबूतर का शो करवा रहे हैं हम आपको। भैया ये कौन सी ब्रीड से है? भैया ये भी टैडी है, इसको दागों वाली बोलते हैं हम। लाल फूल आए हैं इसमें, देखो कितने अच्छे फूल हैं इसके, लाल बी बनी है इसके ऊपर। तो ये भी हमने टैडियों से निकाली है। भाई ये टैडी कबूतर के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूवर्स को, इनको थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि ये वाइट आंख होती है या इसमें जो डोरे। भैया जो टैडी है ना, टैडी आज तक को मैं सुना है भी प्योर है ही नहीं है, टैडी बना ही क्रॉस है, और टैडी फ्लायर कबूतर बनाया उड़ाने के लिए, लोगों ने ब्रीड बना ली है घर रखने के लिए अंदर जालों में, कबूतर है उड़ाने वाला, फ्लायर कबूतर है, तो लोगों ने जब्त कर लिए इनको जालों में। ये चिट्टी आँख का है, जो देखो इनको क्रॉस करोगे सहारनपुरिया में तो वाइट आँख आएगी। जो टैडी है ना उनमें लाल का लाल जरूरी है, लाल डोरा जरूर आएगा। लोग जो सफेद आँख ढूंढते हैं ना, फिर वो सहारनपुरी से क्रॉस कर लो या फरोजपुरी से कर लो तो वाइट ही आएगी। लेकिन लाल डोरा टैडी में लाजम है, ये वो होता ही होता है। जरूर जरूर, जिसमें लाल डोरा नहीं वो टैडी नहीं है जी, बिल्कुल। क्योंकि कई हमारे जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने पहली बार कबूतर रखे हैं, उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता ना टैडियों के बारे में। नहीं वे जो टैडी है उसमें लाल डोरा, तो वो वाइट आंख में ढूंढते रहते हैं हर टाइम की वाइट, शायद वाइट आंख ही टैडी कबूतर है ना। वो भी मैं चीज़ बता देता हूँ आपको, जिसमें बनती है और जैसा कबूतर है वो भी मैं बताता हूँ आपको जी। जरूर हमारे दोस्तों को जरूर बताएं उसके बारे में। ठीक है जी। देखिए जी ये कबूतर लाल फूलों वाली टैडी मारे जी, दोस्तों देख सकते हैं जी। देखो सर, जो मेरे भाई वाइट आंख दौड़ते हैं टैडी में जी, वो जो कबूतर है हमारी इंडिया का टैडी, सहारनपुरी कलपरा, इसको बोलते हैं कलपरा, तो हम इसका नाम डाला है पिल्सनी टैडी। और जो कबूतर लगाओ अपने टैडी में साथ, जितनी मर्जी वाइट आंख और खड़तपन सब कुछ आ जाएगा। तो ये कहाँ से, बेसिकली ये कहाँ से मिलते हैं ऐसे कबूतर? भैया ये सहारनपुर से मिलते हैं। तो यही टैडी में वाइट आंख,
डुप्लीकेट अगर कहो कि मतलब कि डुप्लीकेट अगर बनाना तो यही है। हमारी इंडिया की ब्रीड है सर और प्योर ब्रीड है ये, इसमें टैडी जितने मर्जी बना लो आप वाइट आंख के। आपने इसमें से बनाए? हाँ हाँ इसमें बनाए भैया, मैंने बना के बेचे भी बहुत हैं, वाइट आंख के जो मांगता है मैं इसी के बच्चे देता हूँ। और इसकी खड़त भी दिखाता हूँ आपको, खड़ा करके भी दिखाता हूँ आपको, और इसकी आंख भी देख लो, कलर पैटर्न देख लो। तो ये आपने सहारनपुर से ही लाए? हाँ भैया सहारनपुर से लाए हैं। तो इधर लोकल कहीं से नहीं मिलेंगे ये? मिल जाएंगे, अभी तो बहुत आ गए हमारे जम्मू में, मैंने बहुत कबूतर लाया है सहारनपुर से, दिए भी अपने जम्मू में बहुत है, इनके बच्चे भी निकाल के बेचे हैं। और हम इसका नाम डाला है पिल्सनी टैडी, पिल्सन पिल्सन टैडी, हाँ चूड़ी से निकल जाएगा जी। अच्छा, इतने पतला होता है ये? जी जी। और इसका खड़ापन और कलर पैटर्न कांटे सब कुछ दिखेंगे आपको। इसको थोड़ा ये देखिए जी, देखो कबूतर इस टाइम घबरा रहा है, पर ये देखिए इसका वजूद देखें, उसके कांटे देखें, बिल्कुल टैडियों की तरह। तो इससे ही आप टैडी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इसका वजूद देखिए, कितना पतला कबूतर है ये। इसके साथ भी मादी टैडी है जी, जी इसकी पट्टी या नहीं, इसकी मादी है ये। अच्छा इसकी मादी है, देखो प्योर मांगे जी जी, ये बना के जोड़ा देता हूँ, ये कोई क्रॉस मांगे तो फिर मैं बुना के देता हूँ। तो इसके बच्चे वगैरह हैं अभी इस टाइम? अभी तो नहीं है भैया, इसके सेल हो गए हैं जी जी, रुकते नहीं है इसके बच्चे। अच्छा जी जी जी, ये हमारी इंडिया की ब्रीड है सर। जो कहते हैं सखी वाले कबूतर, टैडी कबूतर ठीक है, उनके भी अच्छे हैं सर हमारे। नहीं मतलब कि वो इंडिया में अवेलेबल? हाँ बहुत आ गए हैं हमारे इंडिया में, अभी तो दुबई से लोग ला रहे हैं, पाकिस्तान से कबूतर आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं। वो आपके पास ब्रीड है वो? नहीं सर मेरे पास नहीं, मेरे पास कुछ पड़े हैं कबूतर थोड़े साइड पे हैं जी जी। जी दोस्तों देख सकते हैं जी भैया के हाथ में बहुत ही खूबसूरत कबूतर है। तो भैया जी ये कौन सी ब्रीड का कबूतर है जी? भैया ये 35 वालों से निकला है, ये हमारा दोस्त है गुजर नगर का राजू, तो उसके घर की बादशाह ब्रीड है सर टिंड वालों से, और खड़पा पान बहुत है इसका, बहुत अच्छा कबूतर। दोस्तों ये देख सकते हैं इसके आईज बहुत ही प्यारी है। तो इसके बच्चे वगैरह लिए भैया? अभी मैंने थोड़ी देरी हुआ है इसको लिए हुए। अच्छा अच्छा, मैंने अपने दोस्त से लाया था, अभी जोड़े में लगाएंगे। इसके साथ मैंने बटेरी मोती लगाई है गागों वाली, शर्टों वाली क्रॉस, देखते हैं इसका रिजल्ट लेते हैं। इसका खड़ा पान देखो, ये दोस्तों देख सकते हैं इसकी मादीन, इसकी मादी है भैया, मेरे घर की पट्टी है बटेरी और छत वाली, इस कबूतर के साथ लगाई है अभी, देखते हैं क्या रिजल्ट देते हैं। मादी का तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो इंशाल्लाह कबूतर का भी अच्छा ही होगा। काफ़ी अच्छी मादी दोस्तों, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं भैया कि कबूतर कैसे लगे आप दोस्तों को, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। इसके परों का थोड़ा शौक करवा अभी काटी हुई है। अच्छा ये काटी है, ब्रीडिंग में डाली है अभी। ठीक ठीक ठीक, तो इसको छोड़ के बताना इसको जी। दोस्तों ये देख सकते हैं जी, ये जोड़ा लगाया भैया ने सियालकोटी कबूतरों का, 35 वाले के साथ छत वाली बटे जी। और ऐसे बहुत सारे कबूतर हैं भैया के पास, तो इस टाइम कुछ कबूतर इन्होंने कहीं शिफ्ट किए हैं, इनकी बाजियाँ वगैरह थी इसके कारण आगे पीछे किए हैं कबूतर। जब जब भैया लाएंगे कबूतर अपने मेन कबूतर, हम उसको भी शो करवाएंगे। तो आप दोस्त हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं आप दोस्तों को कैसे लगी ये वीडियो, आज की वीडियो भैया के ये कुछ ब्रीडर कबूतर।
जी दोस्तों, ये थी ब्रीडिंग सेटअप भैया का। तो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही हम आपको वीडियोस बताते रहेंगे ब्रीडिंग सेटअप का और बाजी के व्यूज़ दिखाते रहेंगे। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।